नमस्कार, मैं सारिका श्रीवास्तव, स्वागत है आपका INN 24 में। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों धनिया बोना बड़ी चर्चा में है। पहले पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने अपनी पार्टी की एक बैठक में कांग्रेस नेता को चेतावनी देते हुए धनिया बो देने की बात कही। अब उस पर पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि राज्य की जनता ने भाजपा का धनिया बो दिया है, इसलिए भाजपा 14 सीटों पर सिमट गई है। राजेश मूणत को दूसरे का धनिया बोने से पहले अपनी गिरेबा में झांक कर देखना चाहिए कि मंत्री रहते हुए क्यों उनकी हार हुई, इस पर चिंतन करना चाहिए। धनिया को कौन बोता है ये जनता तय करती है। वही समय बदलाव करने पर सरकारी कर्मचारियों के विरोध को लेकर उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को राहत देने 6 दिनों से 5 दिन की वर्किंग निर्धारित की गई है। कर्मचारियों को राहत करने के देने के लिए छत्तीसगढ़ की माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार 6 दिनों के बदले 5 दिनों में कार्य दिवस निर्धारित की है, जिसमें 10 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। तो 2 दिनों का छुट्टी मिलेगी कर्मचारियों को, उससे परिवारजनों के साथ मिलने का भी मौका मिलेगा। मगर मुझे लगता है जो शासन ने तय किया है, कर्मचारियों को भी वो समय मान लेना चाहिए, क्योंकि इससे कर्मचारियों को ही राहत मिलेगी और शासन के जो दिशा निर्देश है उसका पालन करना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है। देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता ने, चाहे राजेश मूणत जी हो या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का धनिया तो बो दिया, इसीलिए 14 सीटों पे सिमट गए हैं। इसीलिए दूसरे का धनिया बोने से पहले अपने गिरे बाण पे झाके मंत्री रहते हुए जिस ढंग से बुरी हार हुई है, तो अपने आप को आत्मचिंतन करना चाहिए। धनिया कौन बोता है नहीं बोता है जनता तय करती है।